दूसरा होता है पैरलल। पैरलल किसे बोलेंगे? जैसे मान लो आपके पास कोई खड़ी कोई पत्ती है, जैसे इस तरह की पत्ती है, इस तरह की है ना, तो इसे कहेंगे पैरलल। और अगर आपके पास इस तरह से पीपल का पेड़ है या तो पीपल की पत्ती है जिसकी ब्रांचिंग आपको इस तरह से एकदम भरी भरी सी दिख रही है, वो कहलाएगी रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में भी दो टाइप के होते हैं, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट में आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 229। पेज नंबर 229 में फिगर नंबर 5.34 वी। ठीक है, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट मतलब कि हेक्सागोनल शेप तो आपको दिखाई देगा ही रेटिकुलेट में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे शेप होते हैं जो उसको और ज्यादा घना और ज्यादा डेंस बनाते हैं। ठीक है, उसको यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट मतलब मल्टी तो और ज्यादा हो जाती है। फिर अब आते हैं पैरेलल। पैरेलल में भी दो टाइप के होते हैं, यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट के भी दो टाइप के होते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कैसे देखेंगे आप लोग? कि कन्वर्जेंट मतलब कि होता क्या है, पैरेलल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पैरेलल में कौन से टाइप्स होते होंगे? आपके घर पे इस टाइप की शो पत्ती होगी, जैसे कि आपने वो एक पेड़ देखा होगा जिसको हम खजूर का पेड़ बोलते हैं या शो पेड़ बोलते हैं, इस तरह का कुछ होता है। आप लोग रास्ते में भी देखते होंगे कि किसी, एक सेकेंड मैं आप लोग को पिक भेज देती हूँ। तो इस तरह के वेनेशन में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी जो मेन जो ब्रांचिंग है या उसकी लीव्स के अंदर की जो ये पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स जब वो पत्ती झड़ जाती है या पत्ती का जो स्किन लेयर है वो हट जाता है, तो मेन उसके जो पार्ट्स हैं वो दिख मतलब उसके इंटरनल पार्ट्स। तो इस तरीके से जब हम किसी पैरलर लीव्स की बात करें तो वो पैरलर लीव्स कैसा दिखाई देता है? कन्वर्जेंट और मल्टी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन लीव्स में, मॉडिफिकेशन लीव्स आप कैसे समझते हो? मॉडिफिकेशन लीव्स का मतलब होता है कि जो लीव्स होते हैं वो अपने आप को उस सांचे में ढाल देते हैं, उसके अडप्ट कर लेते हैं जहां जहां वो रहते हैं। जैसे नागफनी में कांटा बदल जाता है। ठीक है, आपने पिया का प्लांट देखा होगा, वो एक बेल की तरह दिखता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसकी लीव्स दूसरे लीव से पकड़कर अपने आप को ग्रो करती है, और कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जो कांटे में बदल जाते हैं कंप्लीटली। ठीक है, उसको थॉरल लीफ कहते हैं। पेज नंबर 231 आप लोग एक बार रीड कर लेना, वो हो जाएगा। अच्छा, लीफ पिंचर। लीफ पिंचर में आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसा प्लांट होता है जो अपने आप को घड़े की शेप में रखता है। ये घड़े की शेप में वो इसलिए रखता है बिकॉज उसको इंसेक्ट खाना रहता है, बिकॉज वो मतलब वो वेजिटेटिव अडेप्टेशन में बदल के भी खुद को इंसेक्ट वाला मतलब जो मांस खाने वाले, इंसेक्ट खाने वाले, कीड़े मकोड़े खाने वाले, इस तरह के भी प्लांट होते हैं। ये हमेशा उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, जंगलों में, बहुत ही डेंस जंगल जो होते हैं ना, उन जगहों पे ऐसे लीव्स मिलते हैं। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, कुछ ऐसे पत्तियां होती हैं जो अपने आप को उस तरीके से ढाल देती है। जैसे कि लीव्स अगर ऐसी होगी तो वो अपने आप को रूटिंग सिस्टम डाल देती है, जिस तरह से रूटिंग निकलने लगती है उस लीव्स के अंदर। और जैसे आप धनिया को देखे होगे, धनिया को आप देखते होगे कि वो रूटिंग ऐसी होती है, कुछ रूटिंग मतलब लीव्स की ब्रांचिंग, लीव्स की ब्रांचिंग कुछ इस तरीके से होगी। वो लीव्स दिखेगी बट उसका जो लीव्स का शेप साइज होगा
वो एक स्पाइनल होगा और फिर वो उसी में ग्रो करती है। फंक्शन ऑफ लीफ क्या क्या होता है? फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन अदर फंक्शन में सम कलरफुल लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। कुछ लीव्स क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं दूसरे इंसेक्ट को क्योंकि वो अलग अलग कलर में शो करती हैं। अब रसी मूव्स इनफ्लोरेंस विद द लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस। इनफ्लोरेंस का मतलब क्या होता है? इनफ्लोरेंस का मतलब होता है फ्लावर। इनफ्लोरेंस का मतलब होता है फ्लावर। अब इनफ्लोरेंस में टाइप्स होते हैं जैसे रेसिमोज, साइमोज, कंपाउंड, स्पेशलाइज, मिक्स्ड। रेसिमोज का मतलब होगा जिसमें हम किसी भी फ्लावर को एक कलर में और एक ही डाली पर देखते हैं, मतलब एक फ्लावर एक ही डाली पर। उसके बाद वो ब्रांचिंग करने लगती है और एक ब्रांचिंग में एक ही फ्लावर आता है। ठीक है, तो ये होते हैं रेसिमोज इनफ्लोरेंस लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस। उनका कुछ शेप इस तरह से दिखा देता है, जैसे आपने सरसों देखा होगा, ये इन्फ्लोरेंस इस टाइप से करती है। और दो तीन है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट का मतलब कि जो इन्फ्लोरेंस होगा वो एक कवर नुमा शेप में होगा, जैसे कवर करने वाला ये इन्फ्लोरेंस होगा, मतलब एक फ्लावर खिलेगी उसको दूसरे फ्लावर में कवर करते हुए वो जाएगी, इसको कहेंगे स्पाइकलेट। चलिए इसको रिविजन में हम पढ़ लेंगे। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। देखिए, फ्लावर फ्लावर को जानना, फ्लावर को समझना टिपिकल होता है बिकॉज इसके रिप्रोडक्टिव को पार्ट कहलाता है। फ्लावर जो होता है एक रिप्रोडक्टिव